रिंगस में आरपीएफ बाइक रैली का किया स्वागत। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आरपीएफ द्वारा निकाली जा रही बाइक रैली का आज रिंगस पहुंचने पर आरपीएफ के जवानों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रेलवे सुरक्षा बल रिंगस ने बाइक रैली को बीकानेर स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक डीजे के साथ लेकर गए, जहाँ सभी जवानों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन अधीक्षक सुखदेव सिंह, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, जीआरपीएफ हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह ने आरपीएफ बाइक सवार जवानों का माला पहनाकर स्वागत किया। सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान जयपुर महाप्रबंधक योगेश ने जगतपुरा जयपुर से 1 जुलाई को हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया था। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया, यह रैली जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, नारनौल, झुंझुनू, सीकर होते हुए आज रिंगस पहुंची है, जहां आरपीएफ के सभी जवानों का भव्य स्वागत किया गया। आरपीएफ जवान बाबूलाल, सुरेश कुमार पिंगोलिया, प्रद्युमन कुंवरपाल, रविंदर, रघुवीर, अजय सहित 10 मोटरसाइकिल आरपीएफ जवान रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को सुबह रिंगस से फुलेरा के लिए रवाना होंगे। रेलवे सुरक्षा बल आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 जुलाई 2022 को मुख्यालय जगतपुरा जयपुर से महाप्रबंधक महोदय द्वारा हरी झंडी दिखा करके जयपुर से अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो है यहाँ से मोटरसाइकिल से रैली निकाली गई। जयपुर से दौसा से बांदीकुई से अलवर, अलवर से रेवाड़ी, रेवाड़ी से अलवर, अलवर से सीकर, झुंझुनू होते हुए रिंगस आज पहुँची है और ये पूरे डिवीजन में भ्रमण करती है।